अब आप ये वीडियो देखने ही लगे हैं तो आपको बता दूं कि मैं ये नहीं करने वाला कि अरे भाई 10वीं 12वीं में आप फेल हो गए तो कुछ नहीं होता, जिंदगी बहुत बड़ी है, ऐसे ही चलती रहेगी। नहीं, लीक से हटकर बात करेंगे भाई, बिल्कुल संतुष्टि मिलेगी आपको। और हाँ, ना ही मैं ये बोलूंगा कि अरे उनको देखो जो कि बहुत ज्यादा फेमस पर्सन है, सक्सेसफुल है, और उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। जैसे कि भाई सचिन तेंदुलकर सिर्फ 8वीं पास है और द गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जाने जाते हैं। एमिनम 17 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और अभी रैप गॉड, देखो दोनों को भगवान से कंपेयर किया जा रहा है। वही समाज जो आज आपके मार्क्स पूछ रहा है इनको भगवान से कंपेयर कर रहा है। या फिर बिल गेट्स, कॉलेज ड्रॉप आउट, जो कि एक बार दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर आदमी थे और आज भी सबसे ज्यादा अमीर आदमियों की सूची में हैं। इनके नाम लेकर भी आपको नहीं बोलूंगा कि देखो इनसे इंस्पायर हो जाओ, फिर आपके पास ये बहाना हो जाएगा अरे हम तो उनसे अलग हैं। हालांकि ये बात अलग है कि आप उनसे अलग नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं वो आपको नहीं बताऊंगा। तो आपको मैं बताऊंगा जी एक तो मेरी स्टोरी, ताकि आप ये ना बोलो अरे वो तो इतने बड़े इंसान हैं, जो कि 100% ट्रू होगी बिकॉज मैं बता रहा हूं। और एक और ऐसी चीज बताऊंगा आपको लाइफ के बारे में कि मार्क्स का एग्जैक्टली कहां पर क्या रोल है वो आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली लाइफ की लॉन्ग रन में। इससे ना तो ज्यादा महत्व है मार्क्स का, ना उससे कम है। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपनी स्टोरी ही बता दूं अगर आपको उसकी क्यूरियोसिटी हो रही है। तो चलिए भाई फिर बात करते हैं, मार्क्स से ही स्टार्ट करते हैं सब कुछ। तो भाई सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि 10th के अंदर, अब जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना उनको भी बहुत फायदा होगा इस बात से, ध्यान से सुनिएगा कि 10th के अंदर मेरे मार्क्स थे जी 80%, टू बी एग्जैक्ट 80.4%। ठीक है, देन अब ये बात नहीं है कि भाई मैं नालायक स्टूडेंट हूं, बस मार्क्स की इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रहा हूं कि 12th के अंदर आई गोट 54% एक्यूरेट, 270 मार्क्स। ठीक है, देन +3 बोले तो एजुकेशन बीएससी कंप्यूटर साइंस के अंदर मुझे मिले 52.3% मार्क्स। तो भाई मार्क्स तो हो सकता है बहुत ज्यादा लोगों से कम हो, बहुत ही ज्यादा, लगभग सबसे कम होंगे मार्क्स। लेकिन उसके बाद जनरली अब जब 5 साल तक पढ़ाई नहीं, 3 साल और एक ये 4 साल तक जब पढ़ाई नहीं की है, तब मेरे को लगा कि भाई पढ़ना चाहिए। मतलब ये मार्क्स डिसाइड नहीं कर रहे कि मैं पढ़ सकता हूं कि नहीं, अब मेरे को लगा कि भाई पढ़ना चाहिए, बहुत साल हो गए हैं अभी परफॉर्मेंस दिखी नहीं है किसी को। देन 2013 के अंदर, अब यहां पर नोट करने वाली बात आ जाती है भाई, ध्यान दीजिएगा, 2013 के अंदर ग्रेजुएशन की, ठीक है, और 2013 के अंदर ही नवंबर के साल में, 2013 के अंदर रिजल्ट के बाद, ठीक है, नवंबर में कैट आता है, कैट का एग्जाम जो कि वेल नोन है काफी, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया। ठीक है, तो भाई 13 में जब रिजल्ट आ गया था उसके बाद मैंने सोचा अब तो भाई डिफिकल्ट एग्जाम उठाना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई ना कोई डिफिकल्ट एग्जाम जो कम टाइम में रिजल्ट लाके मुझे प्रूव करे कि हाँ भाई कर सकते हैं। जानबूझ के डिफिकल्ट एग्जाम मैंने उठाया, तो भाई रिजल्ट आने तक लेकर नवंबर तक टोटल 4.5 मंथ्स मुझे मिले, 4.5 मंथ्स, 4.5 महीने, ठीक है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। एंड यहां पर इस परफॉर्मेंस के बावजूद जब कई लोग मुझे बोल रहे थे भाई नहीं हो पाएगा, तो से ना हो पाएगा, 52.3% नहीं होगा भाई, तो देन आई गोट 98.74% एंड IIM से कॉल भी आई थी इंटरव्यू की। ठीक है, तो ये तो हो गई मेरी स्टोरी, जस्ट ये कहने के लिए कि मैं भी आप जैसा ही हूं। अगर कुछ ठानोगे, इन मार्क्स ने कुछ नहीं किया आपका, अगर कुछ ठानोगे तो ऐसे डेफिनेटली कर लोगे। ठीक है, अब भाई बात बताते हैं कि जिंदगी में मार्क्स की कहां पर जरूरत है, जो मैंने आपको बोला था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। मान लीजिए ये कोई भी इंसान है, इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर कोई भी इंसान है, उसके पास दो ही ऑप्शन है, सिर्फ दो, तीसरा ऑप्शन आप मुझे कमेंट करके बता देना अगर आपको लगता है कि है तो, ठीक है, महात्मा बुद्ध के अलावा वाला ऑप्शन, ठीक है, देन एक तो या तो वो जॉब करेगा या फिर क्या है, या अपने पैशन को फॉलो करेगा, मार्क्स की इंपॉर्टेंस को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो दोनों को भाई सेपरेट कर लेते हैं कि इनके अंडर में क्या क्या चीजें आती हैं वो भी देख लेते हैं। तो अगर आप जॉब करोगे तो या तो गवर्नमेंट जॉब करोगे या फिर प्राइवेट जॉब करोगे,
अब देखते हैं गवर्नमेंट जॉब मिलती कैसे। तो भाई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके। तो ये तो मैंने आपको डिस्प्ले किया ही है कि भाई जब 4.5 महीने में मैंने कैट कर लिया पूरी डेडिकेशन के साथ, तो आपके कितने भी मार्क्स आए हों, अगर किसी गवर्नमेंट जॉब को आप पाना चाहते हैं तो उसका एग्जाम कोई भी ऐसा नहीं है जो 6 महीने से ज्यादा उस एग्जाम की हिम्मत हो। 6 महीने में कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अगर आप बोलोगे यूपीएससी, तो अगर मैं 6 महीने बोलूंगा तो हो सकता है आपको ये लग जाए फेंक रहा है, तो यहां पर मैं 1 साल लिख देता हूं, दैट्स इट। अगर आप डेडिकेशन के साथ कोई भी लगता है तो भाई यहां पर तो मार्क्स की जरूरत नहीं फील हुई, फिर एग्जाम क्रैक करो और जॉब लो। देन प्राइवेट जॉब, तो भाई प्राइवेट कंपनी कभी भी आपके मार्क्स नहीं देखती। हाँ ऐसे तो देखेगी, लेकिन अगर आपका स्किल सेट बहुत बड़ा है, स्किल सेट कमाल का है, आप अच्छी मार्केटिंग करते हैं, उनको दिख रहा है कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रांग है, तो भाई मार्क्स मैटर नहीं करते। नहीं करते मतलब नहीं करते, तो भाई जो जिंदगी का एक पहलू है जॉब, उसमें तो 100% लिखवा के ले लो, इट डजेंट मैटर। ये मैंने आपको दोनों चीजें खुल के बता दी हैं। अब बात आ गई भाई पैशन की। अब पैशन के अंदर एक तो चीज है भाई आर्ट, तो मैं ये सिर्फ उस आर्ट की बात नहीं कर रहा, बैचलर ऑफ आर्ट बीए की बात नहीं कर रहा, आर्ट के अंदर मैं बात कर रहा हूं भाई, अगर आपको सिंगर बनना है, अगर आपको डांसर बनना है, अगर आपको क्रिकेटर बनना है, ठीक है। अब आप मेरे को बोल सकते हो क्रिकेट तो स्पोर्ट है, लेकिन मैंने इनको एक कैटेगरी में रखा है कि क्रिकेट खेलना भी एक कला है ना, फुटबॉल खेलना भी एक कला है, तो इन सबको ऐसे मतलब पैशन की इस कैटेगरी में मैंने रखा है कि भाई अगर आपको अपना ये वाला पैशन फॉलो करना है तो मार्क्स को तो कोई पूछता ही नहीं। ये बात मैं आपको बता दूं कि इस फील्ड के अंदर एक्सेल करने वाले लोग ज्यादातर तो कम मार्क्स वाले ही होते हैं, ज्यादा मार्क्स वाले तो कर ही नहीं पाते क्योंकि वो मार्क्स बटोरने में टाइम निकाल देते हैं अपना, ठीक है भाई। तो यहां पर भी जरूरत नहीं है मार्क्स की। अब नेक्स्ट फील्ड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट फील्ड है जी पैशन के अंदर बिजनेस। अब किसी का पैशन हो सकता है ना किसी अच्छा प्रोडक्ट बनाकर बेचना, किसी प्रोडक्ट के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करना। बिल गेट्स एक बिजनेसमैन ही है, ठीक है। तो भाई बिजनेस के अंदर जब आप अपना बिजनेस चलाओगे, आप कोई भी शॉप खोल सकते हैं, कोई भी दुकानदार भी एक बिजनेसमैन है। अब आप बोलोगे दुकानदार, रिलायंस फ्रेश भी तो एक दुकान ही है। रिलायंस फ्रेश दुकान से कोई बड़ी नहीं है, लेकिन उसके चेन पूरी दुनिया में फैले हुए, उसके चेन्स, ठीक है। तो अगर आप कोई भी बिजनेस करोगे, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन या कोई भी रिटेल आउटलेट, तो वहां पर ग्राहक आपसे आकर ये नहीं पूछने वाला कि हाँ जी भाई साहब आपके नंबर कितने हैं, आपसे दूध लेना है, नहीं पूछने वाला। सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल सेट मैटर करती है। तो भाई आपकी लॉन्ग रन में आपको घूम फिर कर या तो कोई जॉब चाहिए होती है या फिर कोई ना कोई पैशन फॉलो करोगे, और इन दोनों से आप करते क्या हो, इन दोनों से आप कुछ अपनी इनकम कर लेते हो, ठीक है, ताकि जो लाइफ की जरूरी चीजें हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे जीने के लिए, दैट्स इट। लाइफ में इससे ज्यादा कुछ है नहीं, ये मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया है, ठीक है। तो भाई मैं यही कहना चाहता था कि थोड़ा सा बैठकर सोचिएगा, आगे लाइफ को लॉन्ग रन में देखिएगा, अब जाइएगा मत। कुछ इंटरेस्टिंग बातें और बता देता हूं मैंने, हां जी मैंने कुछ चंद पंक्तियां लिखी हैं इस चीज के ऊपर, ठीक है, जब मैं बैठा बैठा ये सोच रहा था, तो चलिए आपको वो मैं बता देता हूं यार, पढ़कर सुना देता हूं, ठीक है। और हां एक और फन फैक्ट आपको बता देते हैं कि भाई हमारी एजुकेशन मिनिस्टर, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर जो हैं, पहले रह चुकी हैं एक बार स्मृति ईरानी जी, वो भी 12th पास थी और इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर। चलो सो कॉल्ड टैलेंट से पता नहीं कोई लेना देना है कि नहीं, बस आपको इंफॉर्मेशन देनी थी ये मैंने। और हां चलिए अब काम की बात पे आते हैं, आपको कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा, आंख बंद करके ध्यान से सुनिएगा। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। अबे तू चल तो सही, ये तो शुरुआत है, 10th एंड 12th तो शुरुआत है, अभी जिंदगी स्टार्ट कहां हुई है, चल तो सही, ये तो शुरुआत है, ये तो 10th एंड 12th ही है, जिंदगी में अभी बहुत मात है।
अभी और भी कई हार मिलेंगी। अब मैं ये नहीं बोल रहा आगे जिंदगी बड़ी सुहानी होगी, अभी बहुत मात है और वही जिंदगी को सुंदर बनाती है। बात ध्यान रहे, बस चलते रहना सर उठाकर, बस चलते रहना सर उठाकर। जब तुझे चलना है ना, तो इन रस्तों की क्या औकात है, इन रस्तों की क्या औकात है जो तुम्हें रोकेंगे। मरते वक्त अपनी जिंदगी को देखकर खुद कहेगा, अगर ऐसे ही चलते रहे तो मरते वक्त अपनी जिंदगी को देखकर खुद कहेगा कि यार बंदे में कुछ बात है, बंदे में कुछ बात है। तो यार मेरी तरफ से इतना ही। तो मैं चाहता हूं कि आपके लिंक में जितने भी 10th और 12th के स्टूडेंट हैं या फिर छोटे बहन भाई हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो यार उन तक ये वीडियो को पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप के अंदर, ठीक है, अपने ग्रुप फैमिली ग्रुप्स के अंदर, फ्रेंड्स के ग्रुप्स के अंदर, ताकि यार कई लोग हैं जो गलत कदम उठा लेते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं इस चीज के बाद, और आगे कितनी सुंदर लाइफ आने वाली थी इसको नहीं देख पाते हैं। और हाँ, लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर पसंद आई है तो, और कमेंट करके बताइएगा आपको क्या बात अच्छी लगी। तो फिर मिलते हैं यार अगली वीडियो में। बाय बाय।